देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी आर डी शर्मा में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 3.7 में थे, उसमें हम उस चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं। और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वो नंबर के ऊपर बेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बेस बताया था कि कोई भी टू डिजिट नंबर है ना, कोई भी टू डिजिट नंबर है, वो आपको एक्स और वाई नहीं मानना होता, वो आपको मानना होता है भाई टेन वाई प्लस एक्स। जैसे स्टेटमेंट में वो बोला है कि एक नंबर है, एक टू डिजिट नंबर है, तो आपके मन में आना चाहिए वो तो ये होगा टेन वाई प्लस एक्स होगा। ये एक्स और वाई कौन उसके डिजिट होते हैं, एक्स और वाई कौन उसके डिजिट होते हैं। उसके बाद अगर आप उस नंबर के जो डिजिट है ना उनको रिवर्स करोगे, इंटरचेंज आप कर दोगे, तो ये जो नंबर है ना वो किस में चेंज होगा, टेन एक्स प्लस वाई में चेंज होगा। ये बेस मैंने आपको बताया है। हाँ, जब वो ये ना कहो ना टू डिजिट नंबर, फिर नहीं मानना ये कभी मानने जब आपको क्या लिखा हो, टू डिजिट नंबर लिखा हो। देखो लास्ट में मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करवा दिया, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 भाई। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 में लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर इज 1000 भाई। द सम ऑफ टू नंबर इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वेयर एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वेयर एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वेयर वो कौन है भाई, वो है इज 256 और 3 जीरो है भाई। और ये नंबर आपने बताने हैं, फाइंड द नंबर भाई। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ टू डिजिट नंबर, इसमें कहीं पर भी क्या नहीं लिखा हुआ, टू डिजिट नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसमें आपने ये नहीं मानना। इसमें तो खाली लिखा हुआ टू नंबर, टू डिजिट नहीं लिखा हुआ इसमें, आगे ना कि दो नंबर हैं जिनका सम तो 1000 है और जिनके स्क्वेयर का डिफरेंस यो है, और वो नंबर बताओ, तो नंबर आपको एक्स और वाई मानने पड़ेंगे, ना कि टेन वाई प्लस एक्स। ये कब मानना है, जब ये लिखा होता टू डिजिट नंबर लिखा होता, अब यहाँ पर डिजिट वर्ड नहीं यूज हो रहा, तो आपको वो नंबर अलग अलग ही मानने पड़ेंगे, एक एक्स मान लो और एक क्या मान लो, वाई मान लो। तो सॉल्यूशन भाई, तो ऐसे लिखोगे लेट द नंबर्स बी, तो वो हमने मान लिया भाई एक एक्स मान लो एंड एक को वाई मान लो, अब जैसा वो कहो है वैसे करो। शुरुआत में लिखा हुआ है इनका सम कौन है 1000 और इनका सम हमने भी आओ निकालना कि जो सम है ना वो इक्वल टू 1000 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कौन है 1000। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। उसके बाद इनके स्क्वेयर का डिफरेंस, ये जो दो नंबर आपने माने हैं ना इनके स्क्वेयर का डिफरेंस ऑल्सो, दो नंबर आपने एक x माना है एक y माना है, इनके कर्कन स्क्वेयर और उसका डिफरेंस किसके इक्वल है भाई 256 ट्रिपल जीरो। एक आपकी इक्वेशन यहां तक बन जाएगी। थोड़ा सा सिंपलीफाई करना, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई इंटू में कौन एक्स माइनस में वाई इज इक्वल टू कौन है भाई 256 3 जीरो। इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू है ना यहां कर दो पुट, तो फ्रॉम इक्वेशन वन तो जहां पर x प्लस वाई है वहां पर कौन आ जाओ 1000 और इनटू में कौन है यो x माइनस में वाई इज इक्वल टू 256 ट्रिपल जीरो। 3 जीरो 3 जीरो की होगी भाई कैंसिल होगी, यानी जो x माइनस वाई है वो किसके इक्वल आ गया
यहाँ तक एक्स माइनस वाई इक्वल टू होगा आपका 256 आ गया, ये छोड़ दिया ऊपर नहीं है। तो यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू कौन 256, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करोगे, ऐड कर दो, जब ऐड करोगे प्लस के y तो माइनस का y कैंसिल हो गया, x प्लस में x लिखोगे पेपर में तो कि ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करना ऐड, तो y कैंसिल हो गया, तो x प्लस में x 2x इज इक्वल टू, और इसमें ये ऐड होगा तो 1000 प्लस में 256, तो 1256। अब 2 तक करोगे डिवाइड तो x इक्वल टू 26 जा 22 जा और 28 जा, तो x की वैल्यू कौन होगी 628 होगी। अभी x की वैल्यू चाहे फर्स्ट में लिखो चाहे सेकंड में, y की आ जाएगी। चलो फर्स्ट में लिख दें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करना पुट, तो जहां पर x वहां पे लिखोगे 628 प्लस y इज इक्वल टू कौन 1000 पर आ जाएगा माइनस भाई, तो y इक्वल टू करना माइनस एक बार 1000 में तो कौन गया 628 गया, तो जो होगा 1000 हो जाएगा, तो 1000 माइनस में 628 तो 372 आया भाई, तो y की वैल्यू कौन होगी 372, यानी आपके वो नंबर कौन होंगे, आपके नंबर बनेंगे 628 और 372। तो रट्टा इस बात का नहीं है कि जब भी लिखो 2 नंबर तो आप 10y प्लस x मानोगे, ये कब मानना है जब लिखा हो 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर खाली 2 नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर आपने अलग अलग मानने पड़ेंगे x और y। एक तो कंडीशन के है कि उनका सम 1000 वहां तक बनगी, एक उनके स्क्वेयर का डिफरेंस 1 वहां तक बनगी, दोनों को सोल्व करें तो x और y की वैल्यू आ गई। और देखो भाई अब फिर 2 डिजिट के ऊपर आते हैं भाई, तो नेक्स्ट पढ़ो एक बार, तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई 6 हो गया। अब तुम पढ़ो 7th भाई, 7th फिर वही बात है कि 7th में क्या लिखा हुआ भाई, 7th में लिखा हुआ है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, फिर वही सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। जैसे ये बात हमने पढ़ी तो मन माना चाहिए कि वो जो 2 डिजिट नंबर हो तो 10y प्लस x होगा, तो सम दिया हुआ, किसका सम दिया हुआ है, सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन कैसे बोला, एंड नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, बाई रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट कौन है भाई इज इक्वल टू 99 है। आगे स्टेटमेंट में बाद में पढ़ो, पहले यहां तक समझो, एक 2 डिजिट नंबर है वो तो 10y प्लस x होगा, उसके बाद अगर आप इस नंबर के जो डिजिट है ना उनको इंटरचेंज करोगे तो ये 10x प्लस y होगा, उनका जो सम है ना वो इक्वल टू 99 है। देखते यहां तक बनेगी कि कोई 2 डिजिट नंबर है वो तो 10y प्लस x, शुरू यहां तक करोगे, अगर आप इस नंबर के जो डिजिट है ना उनको इंटरचेंज करोगे तो ये नंबर किस में चेंज होगा 10x प्लस y, इनका जो सम है वो इक्वल टू कौन दिया हुआ है 99। थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 10x प्लस में x 11x, 10y प्लस में y 11y इज इक्वल टू कौन 99। देखो सब के सब 11 तक कटे तो काट लो,
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कौन 9 होगा। एक तो इक्वेशन ये बन गई भाई। उसके बाद तो 7 था ना अपना यू। उसके बाद इफ द डिजिट डिफर बाई 3, इफ दी डिजिट डिफर बाई 3, कि उस नंबर के अंदर जो ये डिजिट है ना वो तो एक्स और वाई है, उनका डिफरेंस 3 है। अब हमने के बेरा कि एक्स बड़ा के वाई बड़ा है, तो आप कोई सा मान लो, आपके दो आंसर होंगे, आप कोई सा एक लेके निकाल दो। मान लो एक्स बड़ा वाई छोटा है, तो बड़ा में छोटा माइनस होगा, तो इसके जो डिजिट है ना एक्स और वाई उनका डिफरेंस 3 है, यानी कि एक्स माइनस में वाई इक्वल टू कौन 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। दोनों को सोल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर लिखोगे तो नंबर आ जाएगा। सोल्व कैसे करोगे, दोनों को ऐड कर दो, वाई तो वाई कट गया, तो 2x इक्वल टू 9 प्लस में 3 12, तो x इक्वल टू होगा 6। ये x की वैल्यू इसमें लिखो, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 6 प्लस में y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू होगा 9 माइनस में 6 यानी कि 3 बनेगा। तो नंबर कौन होगा, देयर फॉर नंबर इज 10y, y तो आपका 3 है भाई, प्लस एक्स कौन है 6, तो आपका बनेगा 36 बनेगा वो नंबर। तो बिल्कुल आसान है, अभी सब में वही सेम बात है, जब भी कहो कोई टू डिजिट नंबर तो वो 10y प्लस एक्स होगा। अगर आप उसके डिजिट को इंटरचेंज करोगे तो 10x प्लस वाई होगा, उनका सम इक्वल टू कौन दिया हुआ 99। एक इसमें जो डिजिट है ना उनका डिफरेंस 3 है। दो ही इक्वेशन बनेंगे, सोल्व करें एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब तुम पढ़ो 8th भाई, पढ़ना 8th एक बार। देखो 8th में क्या लिखा हुआ भाई, 8th में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8th, 8th में क्या को है, एक टू डिजिट नंबर ए, टू डिजिट नंबर तो मन में आना चाहिए कि वो तो 10y प्लस एक्स होगा। ए टू डिजिट नंबर इज माने इज इक्वल टू 4 टाइम, किसका 4 टाइम, सम ऑफ इट्स डिजिट भाई। तो शुरुआत आप यहां तक करोगे कि वो नंबर तो 10y प्लस एक्स होगा, कि एक टू डिजिट नंबर है वो तो कौन होगा 10y प्लस एक्स, वो इज इक्वल टू है 4 टाइम, किसका 4 टाइम, उस नंबर में जो ये डिजिट नहीं है उनके सम का, कौन इसमें डिजिट एक्स और वाई है ना इनका सम करो। तो पहली कंडीशन ये है कि जो टू डिजिट नंबर है वो इक्वल टू है 4 टाइम उसके डिजिट के सम का। थोड़ा सा सिंपलीफाई, तो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस का 4y, सब कुछ उस तरफ, 4x मत x गया 3x, 4y माइनस में 10y तो माइनस का 6y इक्वल टू, हाँ तो 0 बच जाएगा। थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लो, देखो सब कैसा, 3 तक कटे तो काटो 3 दें, तो x यहाँ 3 से काटना है एक बार, माइनस में 2y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। उसके बाद फिर लिखा हुआ है इफ 8 इज एडिड, किसमें भाई नंबर के अंदर, तो डिजिट आर रिवर्स, तो किसके इक्वल हो जाए, तो जो डिजिट है ना वो आर रिवर्स भाई। नंबर ये है, इसमें अगर आप 8 ऐड कर दोगे ना तो इसके डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब ये जो नंबर है ना वो 10x प्लस वाई में चेंज हो जाएगा। अगर आप सेकंड आपकी कंडीशन है भाई, 8 ऐड करोगे 10y प्लस एक्स में
तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इसके डिजिट आपके इंटरचेंज हो जाएगा, ये जो नंबर है ना वो 10x + y बन जाएगा, एक यहाँ तक बन जाएगी। तो बनाना एक बार भाई, तो यहाँ से क्या बनेगी, सब कुछ उस तरफ, 10x में x गया 9x, y माइनस में 10y माइनस का 9y इक्वल टू 8, यहीं पर रख दो, 8 यहीं पर रख दिया, सेकंड आपकी ये बन गई। फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो, 8 है कि 9 ऐड करे हमने, क्वेश्चन नंबर 8 था ना, ना 18 करना ऐड भाई, 18 करना ऐड, तो इसको 2 मत नाम दो। अब थोड़ा सा और भी सिंपलीफाई हो रही है ना, ये देखो सब के सब कटे, 9 थे, 9 तक काट लो तो x माइनस में y, तो 18 करे हमने ऐड, तो 9 तक काटना 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब दोनों को सोल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कैसे करोगे, अब की बार माइनस करनी पड़ेगी, जब x से x कटेगा तो एक तो इक्वेशन कौन है, x माइनस में 2y इज इक्वल टू 0, और एक x माइनस में y इक्वल टू 2, अब की बार माइनस करो, माइनस ये प्लस ये माइनस, कैंसिल हो गया भाई, माइनस के 2y प्लस के y, माइनस के y, 0 माइनस में 2 माइनस का 2, तो y इक्वल टू कौन होगा, 2 बनेगा। ये y की वैल्यू इसमें लिखोगे तो x आपका 4 आ गया, तो नंबर कौन होगा, तो नंबर होगा 10y प्लस x होता ना, तो 10 इंटू में 2 प्लस का 4, तो आपका 24 बनेगा वो नंबर, ये होगा अपना। तो चलो काफी है भाई आज के लिए, तो बाकी फिर कल करते हैं।